केंद्रीय मंत्री सह लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान आज सहरसा पहुंचे, जहां उन्होंने नौहट्टा प्रखंड के ईदू घाट से नाव पर सवार होकर पूर्वी कोसी तटबंध के भीतर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। नौहट्टा प्रखंड के पूर्वी कोसी तटबंध के भीतर 7 पंचायत कोसी नदी की उफनाती तेज धार और प्रलयकारी बाढ़ से प्रभावित है। वहीं आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने केदली पंचायत के बाढ़ पीड़ितों से रूबरू होकर उनकी समस्याओं को सुना और सरकार की ओर से चलाए जा रहे राहत कार्यों के बारे में जिला प्रशासन से जायजा लिया। इस दौरान चिराग पासवान ने महागठबंधन के नेताओं पर जमकर हमला बोलते हुए कहा, इस विपदा की घड़ी में राजनीति न करने की नसीहत तक दे डाला। चिराग पासवान ने सहरसा से पटना जाने के क्रम में दरभंगा के किरतपुर प्रखंड के बाढ़ प्रभावित इलाका का दौरा किए, इस बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उनका जायजा लिया और उन्होंने तुरंत DM साहब को कॉल कर दिए। बाढ़ पीड़ित नाराज होकर उन्होंने चिराग पासवान के सामने वो हंगामा करने लगे, जिससे चिराग पासवान ने तुरंत DM साहब को कॉल किया और इसकी सूचना दी और उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी को तुरंत यहां भेजकर सभी राहत सामग्री उपलब्ध कराने का निर्देश भी दे डाले। जो एक लंबे समय के बाद जिस तरीके से हम लोग के पड़ोसी देश नेपाल में जिस तरीके से संकट आया और उस संकट का प्रभाव सीधा बिहार में चुप रहिए ना अपने राज्य में देखने को मिला और कई जिलों में इसका असर हम लोग को देखने को मिला। लगभग 12-13 ऐसे जिले हैं कोसी इसके अगल बगल के जो इससे बुरी तरीके से प्रभावित हुए। उम्मीद से कई ज्यादा मात्रा में इस बार पानी को छोड़ा गया, जिससे जितने निचले इलाके हैं उस पर इसका बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा। केंद्र सरकार राज्य सरकार से NDRF की टीमें हो, SDRF की टीमें हो, इस बात को सुनिश्चित कर रही कि सबसे पहले रेस्क्यू इवैक्यूएशन हो ताकि उसमें किसी तरीके की कोई दुखद घटना हम लोगों को सुनने को ना मिले। पिछले 2 दिन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी ने भी NDRF के साथ बैठक कर इस बात को सुनिश्चित किया कि रेस्क्यू इवैक्यूएशन में हम लोग किसी तरीके की कोई लापरवाही ना बरते। कल देर रात तक आज सुबह तक इवैक्यूएशन का अधिकांश कार्य को पूरा कर लिया गया। यहाँ से अब जरूरत है रिलीफ की और रिलीफ के बाद जरूरत है उनको उनका पुनर्वास करने की। रिलीफ के लिए यहाँ पे कम्युनिटी किचन्स की व्यवस्था कर दी गई है, उसको लगभग दुगना जरूरत पड़ने पे उससे ज्यादा संख्या में आज के ही तत्काल प्रभाव से उसको बढ़ाया भी जा रहा है। ऐसे इलाकों में जहां से ग्रामीण बाहर नहीं आए हैं और वो क्षेत्र एक आइलैंड में तब्दील हो गया है, वहां पे सूखा राशन की व्यवस्था भी पहुंचाई जा रही है। धीरे धीरे संतोष की बात यह है कि पानी का स्तर अब घटने लगा है, धीरे धीरे पानी का स्तर नीचे जाने लगा। पर जहाँ एक तरफ ये संतोष की बात है, वहीं यहाँ से कार्य और ज़्यादा बढ़ता है। जब पानी नीचे जाता है, जो मलबा जो कीचड़, अभी हम लोग भी कीचड़ था उसमें हम लोग भी फंसे काफ़ी देर तक। अब धीरे धीरे अब ये समस्याएं आएंगी, जो जानवर हैं जिन जो इसमें जो मर गए हैं उनको लेकर किसी तरीके की कोई बीमारी महामारी ना फैले, उसको लेकर भी अब और ज़्यादा सजगता से स्थानीय प्रशासन इसके ऊपर कार्य करेगी। इन तमाम चीज़ों को लेकर आज सुबह भी DM SP सबसे हमारी बातचीत हुई कार्यों को लेकर। ये विश्वास हम लोग दिलाना चाहते हैं कि केंद्र सरकार राज्य सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है, ये मानना होगा। और ये दोषारोपण का समय नहीं है कि किस सरकार में क्या काम हुआ किस सरकार में क्या काम नहीं हुआ, पर आज से हम लोगों को ये सीख लेने की ज़रूरत ज़रूर है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर कैसे हम लोग रोक लगा सकें। बिहार में बाढ़, मैंने हमेशा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के माध्यम से इस बात को कहा भी, बाढ़ कोई अनजानी घटना नहीं, यह हर साल आती है। ज़रूरत है हम लोग को इसके परमानेंट सॉल्यूशंस पे काम करने, नदियों को जोड़ने की योजना हो, हाई डैम्स के निर्माण के कार्य, इन तमाम चीज़ों को आने वाले दिनों में मैं खुद वापस आने के बाद मुख्यमंत्री जी के और मेरे प्रधानमंत्री जी के संज्ञान यहाँ की वास्तु स्थिति देने का कार्य करूँगा। फिलहाल जैसा मैंने कहा, हम लोग की प्राथमिकता है कि रिलीफ में किसी तरीके की कोई कमी नहीं हो और कि चुनाव के वक्त जब हर कोई दिखता है तो त्रासदी में क्यों नहीं दिखता। मैं राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं से भी मैं पूछूंगा, राहुल जी के पास फुर्सत नहीं है, समय है कि हरियाणा में चुनाव प्रचार कर लें, वहाँ पर सरकार बनाने का हर संभव प्रयास कर लें, पर यहाँ पर
जिस वक्त लोगों को उनकी जरूरत है ये लोग आना तक जरूरी नहीं समझते, अपना प्रतिनिधि मंडल तक भेजना जरूरी नहीं समझते। कांग्रेस हो राजद हो, ये समय नहीं है दलगत राजनीति पे आरोप प्रत्यारोप करने का। पर जो लोग हमसे सवाल पूछते हैं बदले में बाकी की उंगलियां उनकी तरफ भी उठती हैं।